उत्तराखंड में बारिश का दौर जारी है। अब गुरुवार को मौसम विभाग के अलर्ट जारी किया है। बीते दिन कुमाऊं और गढ़वाल मंडल के कई जिलों में मूसलाधार बारिश हुई। भारी बारिश से एक बार फिर नदी नाले उफान पर हैं। प्रशासन लोगों से सावधानी पूर्वक यात्रा करने की अपील कर रहा है। वैसे तो अगस्त महीना खत्म होने के बाद ऐसा लग रहा था कि सितंबर में मानसून विदाई ले लेगा, लेकिन फिलहाल तो ऐसा नहीं दिख रहा है। ऐसे में मौसम विभाग ने उत्तराखंड के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार 12 सितंबर के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया था, जिसके चलते राज्य के कई जिलों में स्कूल बंद रहे। वहीं 13 सितंबर यानी शुक्रवार के लिए भी मौसम विभाग में रेड अलर्ट जारी किया है, जिसके बाद देहरादून समेत कई जिलों में पहली क्लास से 12वीं तक स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्रों में शुक्रवार को भी छुट्टी की घोषणा की गई है। मौसम विज्ञान केंद्र देहरादून के निदेशक डॉ. बिक्रम सिंह ने जानकारी देते हुए कहा कि इन दिनों राज्य में मानसून की एक्टिविटी देखी जा रही है। 12 और 13 सितंबर के लिए मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी किया है। राज्य में भारी से भारी बारिश होने की संभावना है। उत्तराखंड की जनता से अपील है कि सुरक्षित स्थानों पर रहें, नदी नालों के आसपास न जाएं, यात्रा करते समय सावधानी बरतें, भूस्खलन संभावित क्षेत्रों से दूर रहें। मौसम विज्ञान केंद्र देहरादून के रेड अलर्ट के बाद राज्य आपदा प्रबंधन विभाग भी अलर्ट हो गया है। संवेदनशील क्षेत्रों पर खास नजर रखी जा रही है। गुरुवार यानी 12 सितंबर के वेदर की अगर बात की जाए तो मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार ही देहरादून समेत राज्य के कई जिलों में भारी से भारी बारिश देखने के लिए मिली। मूसलाधार बारिश होने से देहरादून में जगह-जगह जल भराव देखने को मिला। नैनीताल जिले में सुबह से बारिश शुरू हुई, जो देर रात तक जारी है। वहीं बद्रीनाथ हाईवे भूस्खलन से कई जगह बंद हो गया है। जोशीमठ मलारी नीति मोटर मार्ग लाता के नजदीक मलबा आने से बाधित हो गया। केदारनाथ, बद्रीनाथ और हेमकुंड साहिब की ऊंची चोटियों के साथ ही लाल माटी, नंदा घुंघटी, नीति घाटी, माणा और रुद्रनाथ में हिमपात होने से मौसम सर्द हो गया है।